महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है कि महात्मा गांधी के पास कोई भी डिग्री नहीं थी, और ये वो क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो हमारे देश को चला रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत देश को चला रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। और अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि भारत का प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी की बात कर रहे हो और 21वीं सदी में जो भारत को चला रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे में कैसे वो भारत को चला सकता है। एक बहुत बड़ी बात जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कह दी कि भारत को चलाने वाला कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए भारत को वो सही ढंग से चला नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत में शिक्षा का स्तर जो ऊंचा है वो शायद ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। इस पर काउंटर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर यूटी, उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी आज वो फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। महात्मा गांधी के पास कोई भी डिग्री नहीं थी, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है कि महात्मा गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक पास किया हुआ डिप्लोमा ही है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को खंगालें, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, अगर आप महात्मा गांधी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ें, अगर आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी ने पढ़ाई के लिए कितने ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, यानी कितना ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो महात्मा गांधी ने किया है एजुकेशन हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि महात्मा गांधी जो है, जिन्हें हर कोई फादर ऑफ नेशन कहता है, वो उनकी फिलॉसफीज पढ़ना पसंद करता है। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कब कहा वो भी आपको बता दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तब कहा जब वो ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में बता रहे थे, एक स्पीच के दौरान बता रहे थे कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, यानी डिग्री ही सब कुछ नहीं होती और एजुकेशन जो है वो किसी के पास हो, इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री ही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी UCL से अपनी 3 ईयर की लॉ डिग्री कम्प्लीटली सक्सेसफुली जो है वो पास की है। महात्मा गांधी ने ये डिग्री जो है वो इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड जाने के बाद की थी, 4 सितंबर 1888 में की थी, और तब उनके पास जो है बिकम में बैरिस्टर, तब वो जो है वो बैरिस्टर बन गए थे। लेकिन आपको ये बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा ये हम नहीं जानते, लेकिन वो ये फर्क जरूर समझाना चाहते थे कि जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा इंसान ही देश को चला सकता है। ऐसा इंसान भी देश को चला सकता है जिसके पास पढ़ाई लिखाई ना हो, लेकिन वो शिक्षा का महत्व जानता हो, यानी पढ़ना लिखना ही जरूरी नहीं है, शिक्षा का महत्व जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में या बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो भारत में काम कर रहे हैं और उस अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है, वो वहां तक पहुंच चुके हैं, वो शायद ही कम पढ़े लिखे थे लेकिन अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐसा क्यों कहा और उस ऐसा कहने के पीछे उनकी मंशा क्या थी ये तो समझ नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा वहम है कि गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आज वो ये वहम निकाल ले कि गांधी जी के पास कोई भी एक सिंगल क्वालिफिकेशन डिग्री भी नहीं थी। महात्मा गांधी ने जो है वो लॉ किया था लेकिन उनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, लेकिन जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो बिल्कुल वहां पर जो है वो डिग्री आती है महात्मा गांधी जी की, और वहां पर लिखा हुआ आता है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जो है वो 3 साल की लॉ की डिग्री जो है वो कंप्लीट की थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी लिखा है कि महात्मा गांधी को इन डिग्रीज को हासिल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और महात्मा गांधी की बात करते हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी पूरी लाइफ के दौरान, और भारत जैसे देश में आज आप देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। आज छोटी क्लासेस से ही जो है वो महात्मा गांधी की बायोग्राफी में पढ़ना जो है वो बच्चे शुरू हो जाते हैं, उनके बारे में बताना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल को काउंटर कर रहे थे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट यूटी के मनोज सिन्हा। ये काउंटर करते उन्होंने कहा शायद वो भूल गए कि विकिपीडिया और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ आता है कि महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा भी पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दो ही चीजों को बताया। एक तो उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी सिर्फ 10th पास थे, यानी उनके पास सिर्फ मैट्रिक का डिप्लोमा था, और दूसरी उनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, वो लॉ करने गए थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जब आप खुद सोशल मीडिया पर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल महात्मा गांधी जी के पास जो है वो लॉ की डिग्री थी सक्सेसफुली, उन्होंने 3 साल जो है वो लॉ कंप्लीट किया था।